अज हिंदुस्तान किन्नियां उचाइयां ते जा रहा है, सारे वर्ल्ड दे विच अज जे कोई नाम लै रहा है तो हिंदुस्तान तो नरेंद्र मोदी जी का लिया जा रहा है। और सारे शहर के बच्चों अज जिदा मेरी भैन आई ने वीर आई मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करना वा। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, मेड इन अमेरिका नहीं होगा, अब मेड इन इंडिया होगा। प्राइम मुद्दे देख रहे सारे दर्शक का स्वागत है। तो दोस्तों देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिहड़ी कि 9 साल दीआं सेवावां ने उन्हूं देख के बीजेपी वल्लों एक जिहड़ी कि आ यात्रा कढ़ी जा रही है, धन्नवाद रैली कढ़ी जा रही है, जिहनूं लै के हलका सेंटर दे विचों गुरदेव शर्मा देवी अपने सैकड़ा समर्थकां नाल जिहड़ा कि इत्थों दी दाणा मंडी जिहड़ा कि आ रोड़ा थिएटर दे कोल पैंदी उत्थे जा रहे ने। तो तुहानूं इक वार घुमा के दिखा दईए कि आले दुआले जिन्नियां बसां गड्डियां लगियां ने उह सिर्फ गुरदेव शर्मा देवी दे हक दे विच श्री मोदी जी का धन्यवाद करने लई जिहड़ियां कि जा रहियां ने नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जो गल करिए देश दे विच पिछले 9 सालों दे विच जिहड़ा कि आ एक तां 370 जिहड़ी हटाई गई आ, उस तों बाद जिहड़ा एक पाकिस्तान का डर दिखा के हमेशा ही एक अलग गल की जाती सीगी, पर 3 साल जिहड़ा पिछले 9 साल दे विचों हुण पाकिस्तान जे वर्ग के देश नूं अपने ही लाले पे होए ने, ते होर भी बहुत सारिया उपलब्धियां जिहड़ियां कि दस दईए कि कश्मीर दे विचों 370 हटाई गई आ, ते होर बहुत सारिया उपलब्धियां जिहड़ियां श्री नरेंद्र मोदी दे शिक्षा नूं लै के जां फिर लोगों के जिहड़ा कि बहुत सारी होर भी जो उपलब्धियां वो गल करते हैं गुरदेव शर्मा देवी ने, जो कि अज एक वड्डा काफला लैके धन्नवाद रैली कढ रहे ने। सॉरी सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर भारत के जन जन के लोगों
कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, बर्मा में घुस करके मारा, पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमरीका है, दूसरे का नाम इसराइल है और तीसरे का नाम भारत है। तीसरे का नाम भारत है। मेरे भाई और बहनों, लोग सोचते थे, लोगों के मन में कल्पना थी आखिर में गरीब लोग के पीने का शुद्ध पानी कैसे मिलेगा। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा हम तो गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए करते हैं। इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी ने 48 करोड़ 27 लाख गरीबों का खाता बैंकों में खुलवा दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने 9 करोड़ 60 लाख लोगों को उज्ज्वला गैस के तहत गैस का फ्री में कनेक्शन दिला दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने 2 करोड़ 86 लाख लोगों के घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने 11 करोड़ 72 लाख शौचालय गरीबों के घर में बनवा दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने 4 करोड़ से ज्यादा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिला दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने 12 करोड़ लोगों के घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचा दिया। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, मेड इन अमेरिका नहीं होगा, अब मेड इन इंडिया होगा। और इसलिए 100 से लेकर 2 तक यहां पर बनाएंगे। मोदी ने कहा मेक इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया होगा, स्टार्टअप इंडिया होगा, स्टैंडअप इंडिया होगा, और फिर न्यू इंडिया का सपना हम साकार कर पाएंगे। और इसलिए मोदी ने कहा मेरे लुधियाना के वीर सपूतों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, अपने गूगल पे जाइए, पूछिए हे गूगल बाबा 9 साल में मोदी ने कितनी सड़कें बनाई। गूगल बाबा कहेंगे 1,55,240 किलोमीटर नेशनल हाईवे मोदी ने बना करके दे दिया। फिर पूछो हे गूगल बाबा भारत के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पहली बार किसने बनाया, बढ़ाया? तो गूगल बाबा कहेंगे नरेंद्र भाई मोदी ने बढ़ाया। फिर पूछो हे गूगल बाबा गांव की फड़के 9 साल में कितनी बनी, तो गूगल बाबा कहेंगे भारत के अंदर 7.5 लाख किलोमीटर फड़के मोदी जी ने बना करके दिया है। फिर पूछो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, और चाहे वाटर वे कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, मेरे लुधियाना के वीर सपूतों आप सब लोग पढ़े लिखे हो, गूगल पर जाइए और देखिए गूगल बाबा बताएंगे 2014 से पहले केवल 74 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा था। आज की तारीख में 2 लाख से ज्यादा पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जाइए गूगल पे, गूगल से पूछिए हे गूगल बाबा 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी है, तो गूगल बाबा कहेंगे भारत है। फिर पूछो हे गूगल बाबा भारत के स्वर्ण भंडार में कितना स्वर्ण भंडार है, तो गूगल बाबा कहेंगे मोदी जी ने 795 टन सोना भारत के स्वर्ण भंडार में भर दिया है। फिर पूछो हे गूगल बाबा इस 9 साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण का क्या स्थिति है, गूगल बाबा कहेंगे मोदी जी ने 600 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडारण से हमारा मुद्रा भंडारण भर दिया। मेरे मित्रों ज्यादा मैं विस्तार से बातें नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे इतना कहने के लिए आया हूं, मोदी जी ने कहा है भारत माला बना रहे हैं, भारत माला बन रही है, अब भारत के चारों तरफ 4 लाइन और 6 लाइन की सड़क बन रही है। पूछो हे गूगल बाबा पहली बार भारत के बॉर्डर पर रोड कौन बना रहा है, तो गूगल बाबा कहेंगे नरेंद्र भाई मोदी बना रहे हैं। मेरे भाई और बहनों इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए, मोदी जी भारत माला बना रहे हैं, मोदी जी सागर माला बना रहे हैं, अब समुद्र के रास्ते से कोई आतंकी आने की कोशिश करेगा उसी में उसकी कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसलिए मोदी जी ने कहा है हम भारत माला बनाएंगे, हम सागर माला बनाएंगे, हम श्वेत समुद्रम बनाएंगे, हम भारत को सुरक्षित भारत बनाएंगे, भारत को मजबूत भारत बनाएंगे। अमेरिका जाते हैं तो बराक ओबामा को गीता भेंट करते हैं, मॉरिशस जाते हैं तो गंगा जल की सीसी लेकर के जाते हैं और वहां बाबा विश्वनाथ को बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। नेपाल जाते हैं तो त्रिपुंड लगा के रुद्राक्ष की माला पहन करके खड़े होते हैं। ऐसा लगता है भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार बोल रहा। एक बार अभिनंदन करिए जोरदार तालियों से नरेंद्र भाई मोदी का, अभिनंदन करिए मोदी जी का जोरदार तालियों के साथ।
अभिनंदन होना चाहिए। मोदी जी ने भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है। मेरे भाई और बहनों, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे गुरु नानक देव का भारत हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह का भारत हो, चाहे गुरु तेग बहादुर सिंह का भारत हो, और चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का भारत हो, चाहे दुर्गा भाभी का भारत हो, चाहे सुखदेव का भारत हो, चाहे उधम सिंह का भारत हो, चाहे लाल बाल पाल का भारत हो, या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत है, एक दिव्य भारत है, एक महान भारत है। इसलिए मैं आपका आह्वान कर निकला, निवेदन करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो भारत को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा रहा है, जो भारत माला बना रहा है, जो हमारे सागर माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए, विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। इसलिए माताओं और बहनों, आपके लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया। मेरी बहनों के नाम पे घर दिया है, मेरी बहनों के नाम से गैस का कनेक्शन दिया है, मेरी बहनों के नाम से बिजली का कनेक्शन दिया है, 12 रुपए में 2 लाख का बीमा दिया है, इंद्रधनुषी टीका लगवाया है, कन्या के जन्म होते ही उसके खाते में पैसा पहुंचाया है। मेरे मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिलाया है। ऐसे मोदी का अभिनंदन है, स्वागत है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए देश की शक्ति को चौलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर अपने आप को आप भारत माता की सच्ची संतान कहते हैं, अगर अथर्ववेद की वो लाइन है जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। हम सब लोग साथ साथ चलेंगे, हर घर को जाएंगे, प्रत्येक कुंडी को खटखटाएंगे, हर नौजवान को जगाएंगे, 9 साल की उपलब्धियां लोगों को बताएंगे, सबको साथ में लाएंगे, 2024 में कमल का फूल खिलाएंगे और फिर से मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इसलिए जयकारा एक बार हमारे साथ जोरदारी से लगाइए, बोले भारत माता की। जिदे विच कि अज साडे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे जिहड़े 9 साल दे कार्यकाल दे विच जिहड़ियां उपलब्धियां आ उन्हां नूं लै के उन्हां दा धन्नवाद भी कीता गया। ते जे गल करिए खास तौर दे उत्ते गुरदेव शर्मा देवी जिहड़ी कि एक अगवाई दे विच एक वड्डा जलसा जिहड़ा कि एक हयूम इत्थे पहुंचे आया, वह भी तुहानूं असीं दिखावांगे। पर गल कर देवी जी नाल गल कर, देवी जी अज दी रैली बारे थोड़ा दस्सो। देखो अज लुधियाना दाणा मंडी दे विच एक विशाल रैली सानूं देखण नूं मिली, और उहदे विच तुसीं देखिया होएगा जिदां सारा जिहड़ा लुधियाना अज इकट्ठा होकर दाणा मंडी दे विच साडे जिहड़े मंत्री साहिबान आए थे उन्होंने सुन आए हैं, क्योंकि जिहड़े साडे मंत्री साहब आए उन्होंने 9 साल जिहड़े हुए ने साडे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं काम करदे होया, जिहड़ा उन्होंने विकास किया, उन्होंने विकास बारे दस्सिया, अज हिंदुस्तान किन्नियां उचाइयां ते जा रहा है, सारे वर्ल्ड दे विच अजे जे कोई नाम लै रहा है तो हिंदुस्तान तो नरेंद्र मोदी जी का लिया जा रहा है। और पंजाब दे विच देखो क्या बुरा हाल है, अज पंजाब दे विच भी जिहड़ा काम हो रहे हैं, जे कोई रोड बन रही है या कोई पार्क बन रहे ने, वो भी साडे स्मार्ट सिटी जिहड़ा दे पैसे साडे सेंटर सरकार दे ने उन्हां नाल काम हो रहा वे। मैं अज वो सारे जिहड़े साडे मंत्री जी ने उन्होंने 9 साल के किए हुए कामों नूं जिहड़ा वे ओह बड़ी डिटेल दे विच दस्सिया। अज किहड़े मंत्री इत्थे खास करके पहुंचे सी ते किहड़ियां किहड़ियां होर जिहड़ियां उपलब्धियां गिनाईयां जिहड़ियां आण गईयां नरेंद्र मोदी जी वल्लों? साडे देश दे जिहड़े अपना हैल्थ मिनिस्टर ने ओह और साडे इक जिहड़े महेंद्र सिंह जी जिहड़े यू सैकटरी ने साडे आल इंडिया सैकटरी ने ओह आए, और साडे पंजाब दे प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी ने जिहड़े लुधियाने च आए, और उन्होंने जिहड़े 9 साल दे जिहड़े कीते होए कम्मां दे बारे नरेंद्र मोदी जी दे इक इक कम्म नूं जिहड़ा दस्सिया, और सारे तुसीं देखो ताड़ियां दे नाल सारा जिहड़ा पंडाल अज ओह गूंज रिहा सी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी दे कम्मां नूं देखदे होए अज इन्नियां मेरियां भैणां आईयां, मेरे वीर आए, और सारे शहर के बच्चों अज जिदा मेरे भैन आईया ने वीर आईया ने, मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करना वा जिन्होंने इन्ना टाइम कढ़ के इन्नी गर्मी के इस रैली हिस्सा लिया। तो दस दें कि 9
साल हो गए साढ़े देश के प्रधानमंत्री जिन्हों जो प्रधानमंत्री साहब बने से उदू पहला कितना कितने पाकिस्तान की हमेशा गल हों पाकिस्तान का नाँ लैके साडा भारत में जो कितना कितने दबोया जाता है पर जिदा ही नरेंद्र मोदी जोड़े की है काबज आते हैं प्रधानमंत्री सीट से उदू बाद कितना कितने पाकिस्तान 9 साल हो गए शायद असी भी कभी वह नाम नहीं सुने एक छुटपुट घटनावं चलदिया रहा ने पर जो गल करिए 370 हटाई गई है राम मंदिर का मुद्दा जोड़ा कि एक बहुत व्डा मुद्दा से राम मंदिर का मुद्दा भी हल हो गया तो जे गल करिए सब तो वही करोना काल में जोड़े देशों में लोगों वैक्सीन नहीं मिली पर साडे देश में फ्री ज वैक्सीन लगी आ पर यह भी बहुत वही उपलब्धि है तो होर भी सा नीटू साहब भी नीटू जी कि रैली में देखते हो देखो जी अज जी लुधियाना की रैली है मैं तो देखो हल्का सेंट्रल दे आया अज देखने यह मिले कि हल्का सेंट्रल का जिहड़ा साडियां भैणां साडे नौजवान साडे बजुर्ग साडे जिन्ने भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर आ वो इन्नी वड्डी गिनती दे विच आए ने तुसीं देखो कि बसां दे रूप दे विच और 70 दे करीब बसां जिहड़ियां हल्का सेंटर दे विच आईआं ने मोटरसाइकल स्कूटर कारां जिहड़ियां ने श्री गुरदेव दे बीजी दी अगवाई दे विच उहनां दे दफ्तर तों चल के इत्थे तक पहुंचे आ तुसीं अजे भी देख लो कि भैणां जिहड़ियां ने हजे तक रैली नूं सुणन वास्ते बैठीआं ने ये नाल की है ये नाल यह असर पै रहा कि साडे जिहड़े देश दे अज हैल्थ मिनिस्टर आए ने उन्होंने दसिया कि 1500 रुपये की एक जी टीका सीगा कि जे मान लो टीके लगने तो 7500 रुपया तो 15000 रुपया जानी कि 2 बंदियां सीगा जिहड़ा साडे देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री लगाया ये बड़ी वड्डी सोच है अज 9 साल पूरे हो गए और जो काम नरेंद्र जी मोदी जी ने साडे देश दे प्रधानमंत्री ने किए आ उन्हां दी असीं शलाघा करदे आ और लोक सभा दे इलैक्शन दे विच असीं कहने आ फिर एक बार फिर मोदी घर घर मोदी और सबका साथ सबका विकास जिहड़े उन्होंने नारे दिते आ उह नारे लैके जावांगे और श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनावांगे तो हल्का सेंट्रल दे विचों साडियां जिहड़ियां वोटां ने उह तुसीं गिन लिओ कि श्री नरेंद्र मोदी जी के हक में किस तरीके का पैदा सो दस दी अज गुरदेव शर्मा देवी के हक में जोड़ा एक हजूम आया पर देवी जी हमेशा अपना ऑफिस जो कि इन्हों निरंतर खुलिया रहा सेवा देखते भी एक एम एल ए ना होंदे हुए भी एक एम एल ए उत्तों एम जे गल करिए एम पी दे कैंडीडेट जिनी जिम्मेदारी इन्होंने सिर से आ तो इन्ना ह्यूम इन्हों के हक के आया सो देवी जी की कहना चाहते हो आने वाली कारपोरेशन इलेक्शन वाली देखो कारपोरेशन इलेक्शन दे विच आम आदमी पार्टी ने जो भी अज तक तुहाडे सामने वादे किए साडे पंजाब दे नाल शरेआम उन्होंने धोखा किया और जिहड़ी कारपोरेशन दे विच भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा वे लुधियाने दे विच मेयर बनेगा ये साडे अज जिहड़े कार्यकर्ता ने उन्होंने इस ते मतलब रैली दे विच पहुँच के उन्होंने साबित करता है सो असीं भी तुहानूं बहुत सारी मुबारकां दिंदे कि आने वाला समां साडे पंजाब लई बेहतर होवे ताकि एक वधिया भविख साडे पंजाब दा बन सके सो नवीं अपडेट लई जुड़े रहो साडे नाल देखदे रहो प्राइम न्यूज़ चैनल कैमरामैन रोहित दे नाल जी।